हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर में ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे, जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, स्टे होम एंड स्टे हेल्थी। कल हमारा लेक्चर किस टॉपिक पर था? मैट्रिसेस पर। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखे थे, तो उसी से कॉन्सेप्ट से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को आगे प्रोसीड करते हैं। ओके क्लास, ओके स्टार्ट हो जाओ। पेन, पेंसिल, नोटबुक सब अपने पास रख लो, किसी भी चीज़ के लिए जाना ना पड़े, और जम कर पढ़ाई करो। ओके, आज की क्लास का पहला मेंटर मैं ले लेता हूँ। लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स आपने फाइंड करनी है जिसके एलिमेंट्स ए आई जे के हिसाब से लिखा जाता है, ए आई जे के हिसाब से लिखा जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस गिवन है वेयर ए आई जे इज इक्वल टू एक रिलेशन गिवन है। आई और एक जे का रिलेशन गिवन है। क्या रिलेशन है वो? आई माइनस ट्वाइस ऑफ जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ये रिलेशन गिवन है। और मुझे किस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है? 2x2 की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, ये 2x2 की मैट्रिक्स को बनाना है। इट मीन्स अगर मुझे ए लिखना है 2x2 की मैट्रिक्स में, ये लिखा है 2x2, तो इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे? 4। देर आर टू रोज एंड टू कॉलम्स। इट मीन्स A11, A12, A21, A22, ये एलिमेंट्स आएंगे। अभी इन्हीं एलिमेंट्स को हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आई रो इंडिकेट करती है, जे कॉलम इंडिकेट करता है, और उनका रिलेशन यहाँ पर एक फॉर्मूले में गिवन है। अगर मुझे A11 निकालना है, इसका मीनिंग हुआ कि आई की पोजीशन 1 माइनस 2, जे की पोजीशन 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, डिवाइडेड बाय 2। एंड A12 के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 2 4, 1 3 3 का स्क्वायर 9 9 over 2 मिलेगा। अच्छा, कुछ और भी कंडीशन मिल रही है। A21, अगर मैं 21 लिखूंगा तो I पोजीशन 2 और इसकी पोजीशन पर क्या लिखा है? 1 लिखा हुआ है, और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 बन जाए 2, 2 माइनस 2 0, आंसर आएगा 0। A22 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो I की पोजीशन 2, 2 फॉर्मूले का मल्टीप्लाइड बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 2 4, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 2। अब आप लिखेंगे A और इन सब की वैल्यूज को लिख दीजिए। तो A11 की वैल्यू कितनी है? 1 over 2। A12 की वैल्यू 9 over 2, ठीक है। A21 की पोजीशन 0 और A22 की पोजीशन 2, ये हमारे 2x2 के मैट्रिक्स है। आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ये बेसिक न्यूमेरिकल हर एग्जाम में मिल जाता है, तो प्लीज़ आप इसको कॉपी करें। अच्छा न्यूमेरिकल है, आप इसको कॉपी कर लें, ठीक है। ओके, अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। हमने ये कंस्ट्रक्टर या ऑर्डर से रिलेटेड एक्चुअल में न्यूमेरिकल था, कि ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया था तो वही न्यूमेरिकल था। अब हम देखते हैं इक्विटी का न्यूमेरिकल, मतलब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो उससे न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है, तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो आज की क्लास का सेकंड न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है? x2x plus z, मैंने पहला कॉलम लिया, दूसरे कॉलम में ये z लिखा हुआ है, आप चाहें तो बीच में ऐसा लिख दें तो 2 से कन्फ्यूज ना हो जाए। 3x माइनस वाई लिखा हुआ है, 3y माइनस w ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 3 2 4 7। और यहाँ पर जितने अननोन है सबकी वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स x y z w, इन सभी को आंसर में देना है। उसने बोला कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z and w, ये वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब दो मैट्रिक्स गिवन है, दोनों के ऑर्डर सेम है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे 100%। इट मीन्स x इज इक्वल टू 3 नज़र आ रहा है, आप देखें ये और ये मिल गया। अब हम y कैसे निकालेंगे? इसका कंपैरिजन करते हैं, तो क्या मुझे मिल रहा है? 3x माइनस y, उसकी वैल्यू 2 है, और x की वैल्यू 3 3 3 9 y 2। अगर मैं y को निकालूंगा तो आंसर कितना आएगा? 7। ये y भी सॉल्व हो गया। अब y अगर सॉल्व हो गया तो w निकाल सकते हैं, तो अगर मुझे w निकालना है तो इसके लिए मैं इस टाइप का सिंबल यूज़ कर लिया, ठीक है। अगर मुझे w निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा? 3y माइनस w इज इक्वल टू 7।
y की वैल्यू कितनी है 7, ये हो जाएगा 21 माइनस w इज इक्वल टू 7, तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 इधर आ जाएगा, दैट मीन्स 14 हो जाएगा आपके पास w, w भी आ गया। अब क्या बच गया z, x आपके पास है तो z चाहिए, ये डॉट डॉट में रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, 2x प्लस z, 2x प्लस z उसकी वैल्यू कितनी है 4 और x की वैल्यू आपके पास है 3, दैट मीन्स ये हो जाएगा 6, तो z की वैल्यू क्या मिलेगी 4 माइनस 6 ये आ जाएगा माइनस 2, तो z आ गया, w आ गया, y आ गया, x आ गया, चारों वैल्यू आ गए सीक्वेंस से। आप इसको कॉपी कर ले, ये इक्विटी का कॉन्सेप्ट है कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, तो उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था, जल्दी से कॉपी करें इसको, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस के क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन का। अब एडिशन में क्या है कि मैट्रिक्स के जितना ऑर्डर होगा, एक मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उसमें वही ऑर्डर की मैट्रिक्स ऐड हो सकती है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। बस जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, सपोज ये एक मैट्रिक्स गिवन है 1 3 2, इसका ऑर्डर है 1 × 3, तो इसमें मुझे कुछ ऐड करना है, तो इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स मैं लिखूँ तभी ऐड हो सकता है। मीन्स -1 2 5 ये मैंने लिखा, इसका ऑर्डर भी 1 3 ही होना चाहिए तभी ये आपस में ऐड हो सकती है। अब दोनों का ऑर्डर अगर सेम है, बीच में लगा है साइन कौन सा प्लस का, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो -1 में मैं ऐड करूँगा -1, +1 में मैं ऐड करूँगा -1 को, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा 1 प्लस कर रहा हूँ -1, सही है। ये आपके पास पहला पॉइंट, पहला एलिमेंट आया। फिर मुझे लिखना है 3 में मैं ऐड कर रहा हूँ कितने को 2 को, अब मैं लिखूँगा 2 में मुझे ऐड करना है कितने को 5 को, और इसका ऑर्डर भी 1 × 3 मिलेगा, तो आप आंसर लिखेंगे ये तो आएगा 0 और ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7, तो आपके पास 1 × 3 की वैल्यू आ गई है, ये मैट्रिक्स आपके पास है। तो क्या आप एडिशन समझ गए? एडिशन में आपने क्या देखा, ऑर्डर अगर सेम है दो मैट्रिक्स के वो आपस में ऐड हो जाते हैं, और ऐड होने का क्या मीनिंग है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं, दैट्स इट, ठीक है। ये आपके पास एडिशन था। अब हम लोग पढ़ते सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, ये माइनस। अब दो मैट्रिक्स हैं उनमें अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, इनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होने चाहिए, तो कैसे करते हैं, ये तो लिखा है 1, यहाँ लिखा है माइनस, तो मैंने माइनस लगा दिया, फिर एलिमेंट क्या है -1, उसको देखेंगे अभी, ठीक है। फिर लिखा है 3, फॉर्मूले में माइनस, फिर लिखा है 2, ओके, यहाँ लिखा है 2, वहाँ लिखा है 5, तो ये लगा दिया क्योंकि बीच में तो माइनस चला, सभी माइनस आना चाहिए, इसका ऑर्डर 1 × 3 नज़र आ रहा है। अब ये रिजल्ट ज़रा चेक करो, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो सकती है, मतलब ये आ जाएगा 2 और ये मुझे मिलेगा 1 और ये मुझे मिलेगा -3, तो इसका ऑर्डर तो वही रहेगा 1 × 3, ये आपके पास उबेर का सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। तो आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं बहुत इजीली से, बस ऑर्डर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, एक न्यूमेरिकल टिक करते हैं, ये तो छोटा सा एग्जांपल मैंने खुद ही क्रिएट कर लिया था, ठीक है। अब बुक का एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है बुक का, कैपिटल एस एक्स प्लस कैपिटल वाई, इससे रिलेटेड एक मैट्रिक्स गिवन है, कितनी है 7 0 2 5, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। एक कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई, इससे रिलेटेड एक मैट्रिक्स गिवन है 3 0 0 3, ये मैट्रिक्स गिवन है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये पूछा गया, फाइंड एक्स एंड वाई, तो इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे। ऐसा लग रहा है कि दो इक्वेशन है और नाइन्थ क्लास में हम लोग देख कर आए हैं एलिमिनेशन प्रोसेस, तो एलिमिनेशन प्रोसेस क्या कहता है, ये पॉजिटिव है वाई, निगेटिव वाई, दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या मिलेगा एक्स एक्स, तो ट्वाइस ऑफ एक्स, और यहाँ से आपको दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो दो मैट्रिक्स को ऐड करना अभी मैं बता दिया था, क्यों, यहाँ पर ऑर्डर है 2 by 2 और ये ऑर्डर है 2 by 2, मतलब ऑर्डर दोनों का सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 7 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10, 0 में 0 ऐड करेंगे तो आएगा 0, 2 में 0 ऐड करेंगे आएगा 2, 5 में 3 ऐड करेंगे आएगा 8, ऑर्डर रहेगा 2 by 2 का, हो गया। और यहाँ लिखा है 2x, और अब क्या मिलने वाला है, x इज इक्वल टू 1 by 2, साथ में मिलेगा 10 2 0 8 2 by 2। अब ये क्या कंडीशन मिल गई, ये मल्टीप्लाई की कंडीशन मिल गई है,
तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करते हैं तो क्या होता है, ये भी सामने कॉन्सेप्ट आ गया। हम लोगों ने सीखा था सब्ट्रैक्शन एडिशन, लेकिन ये कि स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई आ रही है तो मैं बता देता हूँ क्या होता है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स लिखी है A11, A12, A21, A22 और बाहर अगर मैंने K से मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या करता है, ये सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेता है तो रिजल्ट मिलेगा K टाइम्स ऑफ A11, K टाइम्स ऑफ A12, K टाइम्स ऑफ A21 और K टाइम्स ऑफ A22, ये आपको मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया, तो K जो मल्टीप्लाई हुआ है एक्चुअल में 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/2 अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं रिजल्ट क्या लिखूंगा, 1/2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 0, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8। मैं चेक कर लेता हूँ ये विजुअल है कि नहीं है। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट स्टेप पर हम लोग आ गए, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। कैपिटल एक्स हम लोग निकाल रहे हैं, अब 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिल रहा है 5, ये तो मिल जाएगा 0, यहाँ मिलेगा 1 और ये मिलेगा 4, ये आपके पास कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब कैपिटल एक्स की पोजीशन को मैं यहाँ जाके पुट कर देता हूँ तो कैपिटल वाई निकल के आ जाएगा, वो कैसे आप इसको कॉपी करें और मैं समझाता हूँ जल्दी से, आप इसको जल्दी से कॉपी करें। वही बात आ गई ना कि एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो तो वाई आ जाएगा, वैसे निकालना है मुझे। ठीक है, आपने कॉपी कर लिया होगा। अब मेरे पास इक्वेशन लिखी है ये, इसमें मुझे x की वैल्यू पुट करनी है तो मैं क्या करूँगा, 5014, ये मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, कैपिटल y लिखा है 7025 लिखा हुआ है और मुझे चाहिए कैपिटल y, तो कैपिटल y अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, 7025 इसमें से माइनस करूँगा इस वैल्यू को, इट मीन्स 5014, इसको मुझे माइनस करना है। तो आपके पास अब वाई कितना निकल के आएगा, 7-5 मीन्स 2, 2-0, 0-0, 0, 2-1, 1, 5-4, 1, ये आपके पास आएगी वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके थे, आपके पास आंसर आ चुका है, जल्दी से इसको कॉपी कर लें, कंप्लीट न्यूमेरिकल हो चुका है आपका। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप अगर ये समझ गए हो तो स्केलर मल्टीपल भी आ गया, आप लोगों को सब्ट्रैक्ट भी करना आ गया, एडिशन भी करना आ गया, तो एक न्यूमेरिकल अच्छा सा ले लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है मेरे पास, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वाई, उसकी वैल्यू है मेरे पास 6-6, 0, ठीक है, -4, -4, -4, 2, 1, -4, 2, 1, और कुछ और भी लिखा हुआ है एक्स प्लस 2y, इसके लिए एक मैट्रिक्स गिवन है 3-2, 5, 3-2, 5, 3-2, 5, -2, 1, -7, ये मैट्रिक्स गिवन है। अब मैं क्या करता हूँ, तो दोनों को ऐड करता हूँ, बट यहाँ तो माइनस वाई है, इसका मतलब हुआ तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन में आप 2 की मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप उस इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएगा, इट मीन्स 2 की मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 4x और ये आ जाएगा 2y, और मैं यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो पूरे में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप चाहो तो यही कर दो, आप अपना समझ गए प्लस 2 के बच्चों में 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे मिलेगा 12, फिर मुझे मिलेगा 12, फिर मिलेगा मुझे 0, फिर मिलेगा 8 माइनस का 4 और ये मिलेगा 2, ये ऐड हो गया, मल्टीप्लाई होगी मतलब। अब आप देखेंगे कि ऐड दोनों को करना है तो प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मुझे मिलेगा 5x। अब ये दो मैट्रिक्स को ऐड ही तो किया है हमने, तो ऐड कर दो, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो, तो 12 3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 15, माइनस 12 2 को ऐड करोगे तो आएगा -10, 0 में 5 ऐड करोगे आएगा 5, -8 में -2 ऐड करोगे तो -10 आएगा, 4 में 1 ऐड करोगे तो 5 आएगा, 2 में -7 ऐड करोगे तो -5 आएगा, और आगे लिखा है 5x, तो आपके पास कैपिटल X की क्या वैल्यू आएगी, 1/5, और यही मैट्रिक्स में फिर से लिख रहा हूँ, 15 -10, -10, 5, 5 -5,
मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि आंसर लिखना है आपको मुझे। तो कैपिटल एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो माइनस वन ओवर फाइव सबके साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? थ्री, फिर मुझे मिलेगा माइनस का टू, फिर मिलेगा मुझे वन, अब मुझे मिलेगा माइनस टू, यहाँ मुझे मिलेगा वन और यहाँ मुझे मिलेगा माइनस वन। ये आपकी मैट्रिक्स पूरी सॉल्व हो गई, कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई है। तो कैपिटल एक्स को मैं एक इक्वेशन में जाके एंटर कर दूंगा तो कैपिटल वाई आ जाएगा। आप जल्दी से इसको कॉपी करें, मैं कैपिटल एक्स को पुट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो मैं कैपिटल एक्स को यहाँ पर ऐड करता हूँ। यहाँ लिखा है टू, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू लिख रहा हूँ थ्री, माइनस टू वन, माइनस टू वन माइनस वन, माइनस कैपिटल वाई, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, माइनस फोर टू वन, ये लिखा हुआ है। कैपिटल वाई चाहिए, निगेटिव लिखा है, इसको उधर भेज देते हैं और इसको इधर ले आते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में। ये मिले मिलेगा सिक्स माइनस का फोर टू, माइनस फोर टू, माइनस टू, माइनस सिक्स माइनस सिक्स जीरो, माइनस फोर टू वन। हाँ बच्चों, एक बात बहुत ध्यान से देखो, मैं मैट्रिक्स को इधर लेके आया हूँ तो अंदर मैंने एक भी साइन चेंज नहीं किया है। इस मैट्रिक्स के बाहर ही मैंने प्लस लगाया था, यहाँ माइनस कर दिया क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए दिख नहीं रहा है, और इधर आके वो माइनस हो गया ऑटोमेटिक। अब मैं क्या करूँ, सिक्स माइनस सिक्स कितना मिलेगा जीरो, माइनस फोर में माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का सिक्स, प्लस का सिक्स माइनस का फोर कितना देगा माइनस, प्लस का सिक्स है ये, माइनस का फोर है तो प्लस का टू देगा। मैं सीधा सीधा टू लिख देता हूँ, यहाँ लिखा है टू, यहाँ लिखा है जीरो तो आपको मिलेगा टू, यहाँ लिखा है माइनस फोर और ये माइनस माइनस प्लस फोर हो जाएगा तो रिजल्ट मिलेगा जीरो, यहाँ लिखा है टू और यहाँ लिखा है माइनस टू तो रिजल्ट मिलेगा जीरो, यहाँ लिखा है माइनस टू और यहाँ भी लिखा है माइनस वन तो रिजल्ट मिलेगा माइनस थ्री। ये आपके पास रिजल्ट आएगा कैपिटल वाई का, ये कैपिटल वाई की वैल्यू है और ये कैपिटल एक्स की वैल्यू, दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। जल्दी से इनको कॉपी करो। ठीक है, इतना टाइम बहुत है, टाइम तो बस इसलिए देता हूं मैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले लो, या फिर आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वैसे कर लो, पॉज करके नोट करना चाहते हो वैसे कर लो। एक न्यूमेरिकल और है, अब वो न्यूमेरिकल क्या है, इफ ए इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है ए की पोजीशन पर, एट जीरो फोर माइनस टू थ्री सिक्स, ये एक मैट्रिक्स है ए, एंड बी एक मैट्रिक्स है वो भी गिवन है, वो क्या गिवन है टू माइनस टू फोर टू, ठीक है, एंड माइनस फाइव वन, ऐसा कुछ गिवन है। और क्या लिखा है, देन फाइंड मैट्रिक्स एक्स, अब एक्स है नहीं, सच दैट, ऐसी है कि टू ए प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू फाइव बी। तो ये मुझे एक्स फाइंड करनी है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, उन्होंने बोला कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आप एक्स फाइंड कर दो। तो आओ इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे तो एक्स चाहिए तो मैं थ्री एक्स लिख देता हूँ पहले, फिर लिखता हूँ फाइव और यहाँ लिखता हूँ बी। तो बी की वैल्यू क्या है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये बड़ी है मैट्रिक्स, बी की पोजिशन में जो भी लिखा है मैं लिख रहा हूँ टू माइनस टू फोर टू माइनस फाइव वन, ये आ गया फाइव और बी, यहाँ से मुझे मिलेगा टू ए, तो माइनस टू और ए की पोजीशन के लिए मुझे मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो मैट्रिक्स बनाता हूँ, ए की वैल्यू एंटर करते हैं, ये मिल रहा है एट जीरो फोर माइनस टू थ्री सिक्स, कुछ ऐसा हिसाब किताब मिलेगा आपको, यहाँ मिल रहा है थ्री एक्स। तो मैं थ्री एक्स को अगर कैलकुलेट करता हूँ तो फाइव की मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो मुझे मिलेगा टेन माइनस टेन, यहाँ मिलेगा ट्वेंटी, ये मिलेगा टेन और ये मिलेगा माइनस का ट्वेंटी फाइव और ये मुझे मिलेगा फाइव, ये माइनस लगा हुआ है। टू की मल्टीप्लाई करते हैं एटीन, टू की मल्टीप्लाई जीरो, टू की मल्टीप्लाई करते हैं एट, टू की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस फोर, ये मुझे मिलेगा सिक्स और ये मुझे मिलेगा ट्वेल्व, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों मैट्रिक्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो टेन ये माइनस का सिक्सटीन, तो मुझे क्या मिलेगा माइनस का सिक्स मिलेगा। अब तक तो आप समझ चुके होंगे, ये माइनस टेन है ये जीरो है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का टेन ही आंसर आएगा।
यहाँ 20 है ये माइनस 8 है तो मतलब मुझे 12 मिलेगा, यहाँ 10 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 14 पहुँच जाएगा वो कंडीशन में, ये माइनस 25 है माइनस 6 है तो 31 हो जाएगा, वो भी निगेटिव का 31 हो जाएगा, ये 5 है ये माइनस का तो माइनस का 7 मिलेगा, माइनस का क्योंकि माइनस का 12 है प्लस का 5 है, और यहाँ 3x है आपको तो x चाहिए था, अब इस 3 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं देख लेता हूँ स्पेस कितना है डाउन साइड में, स्पेस पूरा खत्म हो चुका है, बस एक ही कंडीशन बाकी है, बस 3 से आपको डिवाइड करना है। क्या बच्चे आप लोग डिवाइड कर पाओगे? बस आपको डिवाइड ही तो करना है। ठीक है ठीक है, आज का लेक्चर बस यहीं पर एंड करते हैं। लेक्चर बेटे कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है? आप लोग कमेंट कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। ओके ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।